400 सालों का जो त्याग है ना उसका वो है, राम राज्य आ गया है। श्री राम का आज हमारे राम जी का आगमन हो रहा है अयोध्या में। जाएंगे दर्शन करने, हम लोग भगवान का दर्शन करेंगे जाके, बहुत जल्दी जाएंगे, अगले महीना जाएंगे। जय श्री राम। आप लोग अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं और यहाँ के भी तो मंदिर है, वहाँ जाते हैं आप? हम लोग यही जश्न बनवा कर रहे हैं और हम लोग का भंडारा चल रहा है, भंडारा चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में वितरण हो रहा है, तमाम लोग यहाँ है, बात कर लेते हैं। सर आप भी यहाँ आगे वितरण में? हाँ, यहाँ पर बस प्रभु की लीला है, सब उन्हीं की लीला है, सब बस जय श्री हर जगह जय श्री राम गूंज रहा है पूरे पूरे विश्व में और गूंजना चाहिए। आप कहाँ से हैं? हम लखनऊ के। मंदिर नहीं गए आप? हाँ, मंदिर नहीं गए? मंदिर हम पैर टूटा तो नहीं जा पाए, बस दिल से तो हैं जी। मैं बताइए, मंदिर नहीं गए आप लोग? यहाँ पे हमारे इतने भाई बहन लोग उतने पहुँच चुके हैं, जब मोदी जी ने कहा था जो पहुँच पाए वो तो पूजन करेंगे, जो नहीं पहुँच पा रहे वो अपने घर में, उसी तरह अयोध्या की तरह जो है अपने शहर को चमकाएंगे। सर यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है जी, धारा 144 जी जी, लेकिन फिर भी लोग ज्यादा है, भीड़ है। ये भक्ति का जोश है, ये भक्ति का जोश है। ब्रेड पकौड़े कब से? सुबह से, सवेरे से चल रहा है हमारा, सवेरे से प्रसाद चल रहा है राम जी का। हाँ जी हाँ जी, ये लीजिए प्रसाद। जय श्री राम। कितने लोगों को अभी तक? जय श्री राम। ये जय श्री राम का प्रसाद है, जितना हम लोग उत्साहित है जय श्री राम का, आज हमारे राम जी का आगमन हो रहा है अयोध्या में। पकौड़ा मिल रहा है और चाय मिल रही है। चाय खाए आपने? खा ली? मैं भी खाया नहीं, तो घूम ही रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं भी। अच्छा, क्या आपको पता है यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, लेकिन फिर भी आप लोग निडर? ये उससे उससे मतलब नहीं है, ये ऐसा वो 500 सालों का जो त्याग है ना उसका वो है, राम राज्य आ गया है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं कोई बना रहा है, ये खुशी का माहौल है, ठीक है। 144 सब लगती, कोई अगर दंगा है कुछ होता है, लेकिन यहाँ खुशी का माहौल है, सब जय श्री राम हो रहा है यहाँ पे। धारा 144 तो लगी हुई है, लेकिन लोगों का मानना है कि ये राम राज्य है, तो यहाँ पर सब कुछ जायज है, चाहे कितनी भी भीड़ है यहाँ पर, कितने कैसे भी गाड़ियाँ चल रही हैं, भले नियमों का उल्लंघन हो रहा है।